Good morning, students. The caterpillar does all the works, but butterfly gets all the publicity. तो बच्चों, आज हम इसी caterpillar के ऊपर drawing बनाएंगे. आइए मेरे साथ. तो आइए बच्चों, आज हम caterpillar draw करते हैं और उसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. इस तरह से इस सर्कल ड्रॉ हो गया, ये सर्कल ड्रॉ हो गया और अब इसी सर्कल के नीचे हम एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ऐसे. और फिर इन दो सर्कल के साथ एक और हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और फिर एक और हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और फिर एक और सर्कल इस तरह से ड्रॉ करते हैं. ऐसे थ्री सर्कल्स और ड्रॉ करने के बाद एक स्मॉल सर्कल और ड्रॉ करते हैं, और इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हम इसके ऊपर यहाँ एक टू आईज बनाते हैं. ब्यूटीफुल कैटरपिलर की ये आई बन गई इस तरह से, और यहाँ इसके ब्यूटीफुल एंटीनास बना दिए इस तरह से. ये इसके एंटीनास हो गए, और यहाँ इसकी नोज, और ये इसका ब्यूटीफुल स्माइल. और अब इस आई के अंदर भी हम इस तरह से सर्कल में सर्कल, और फिर एक सर्कल और इस तरह से, ये बन गया. और अब हम इसके बनाएंगे पैर. इसके लेग्स बनाने के लिए, पैर बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ स्मॉल लाइन और एक स्मॉल लाइन और एक लॉन्ग लाइन, फिर एक स्मॉल लाइन और फिर एक लंबी, फिर स्मॉल, फिर लंबी, फिर स्मॉल और फिर लॉन्ग. इस तरह से करते हुए हम इसके लेग्स बनाएंगे, और इसको हम डबल भी कर सकते हैं. यू यू और यू, यू यू और यू, ये इसके पैर बनते जा रहे हैं इस तरह से. और अब हम यहाँ कैटरपिलर ग्रीन ग्राउंड में दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ सन भी राइज हो रहा है, तो एक सर्कल ब्यूटीफुली बनाते हुए हम सन बनाएंगे, और इस तरह से ये सन बन गया. और यहाँ कुछ क्लाउड्स, यहाँ कुछ बर्ड्स, और अब इसके नीचे हम ग्रीन ग्राउंड, इस तरह ग्रीन ग्रास पर कैटरपिलर चलते हुए बताएंगे हम. और ऐसे थोड़ी थोड़ी ग्रास भी हो रही है, और इस तरह से करते हुए ये हम, ये हमारा कैटरपिलर कंप्लीट बनकर तैयार है. और अब हम इसे अपने ड्राइंग फाइल में ड्रॉ करेंगे और ब्यूटीफुली आउटलाइन करके कलर करेंगे. और ये कैटरपिलर हमने ड्रॉ कर लिया है, और लाइट लाइट ड्रॉ करने के बाद हम इसकी आउटलाइन स्केच पेन से शुरू करेंगे. और इस तरह से ये हम ब्यूटीफुली इसकी आउटलाइन करेंगे, और स्केच पेन से ये आउटलाइन कंप्लीट हो गई. और अब हम इस पे ब्यूटीफुली कलर करना स्टार्ट करेंगे, और ये कलर हम डार्क कलर से स्टार्ट करते हुए, इस तरह डार्क कलर ये स्टार्ट किया हमने, और फिर इसमें लाइट ग्रीन किया, ये लाइट ग्रीन, और इस तरह से लाइट ग्रीन करते हुए, और फिर इसके अंदर लाइट येलो की शेडिंग कर दी. और ऐसे ही हम सारे सर्कल्स में करेंगे, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और फिर येलो. तो इस तरह से करते हुए इनको मिक्स भी करना है, अच्छे से इनको मिक्स कर देना.
और फेस में हम पूरे में इसके येलो कलर फिल करेंगे और लिप्स में थोड़ा सा रेड टच करेंगे और ये ब्लैक कलर हम इसकी आईज के इस एक पोर्शन में अंदर वाले सर्कल को छोड़ के इसमें ब्लैक कर देंगे तो ये आईज और भी अच्छी लगेंगी। और इस तरह से हम येलो पूरे में करेंगे इसके, और इसके पैरों में ग्रीन प्लेन ग्रीन कलर फिल कर देंगे और ऐसे ही इसके ग्राउंड में ग्रास में डार्क ग्रीन फिर लाइट ग्रीन और फिर येलो और इस तरह से येलो येलो की शेड करते हुए इस तरह से ये ग्राउंड में भी हम तीनों शेड मिक्स करते हुए ग्राउंड कंप्लीट करेंगे। सन में हम येलो कलर करेंगे और थोड़ा थोड़ा बाहर भी येलो शेडिंग करेंगे जिससे कि लगेगा कि रेज इसकी बाहर तक आ रही है। और उसके बाद यहाँ ब्लू कलर क्लाउड्स में इस तरह से ब्लू कलर और बची हुई जगह पर लाइट लाइट ब्लू करेंगे और इस तरह से हमने पूरा ब्लू कलर चारों तरफ करके और इसे कंप्लीट कर लिया है। और आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट है। इसी तरह आपको इसे ड्रॉ करना है, कलर करना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। थैंक यू।